नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को करारी हार दी है। भारत को इस मुकाबले में पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पहले और दूसरे दिन की तरह तीसरे दिन भी साउथ अफ्रीका का ही दबदबा है। पहले बैटिंग करते हुए एल्गर और मार्को येंसन ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली और 245 के जवाब में बना लिए 408। वहीं जब दूसरी पारी में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो 131 रनों पर ऑल आउट हो गए और मुकाबला 3 दिन में ही खत्म हो गया। विराट ने 131 रनों में 76 रनों की पारी अकेले खेली। शुभमन गिल ने 26 रन बनाए, लेकिन इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। और एक बार फिर हमने देखा वही कोलैप्स की कहानी और एक बार फिर अफ्रीका में सीरीज जीतने का सपना सपना ही रह गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 32 रन और एक पारी से शिकस्त दे दी है। तीनों दिन साउथ अफ्रीकन टीम का दबदबा रहा। सेशन दर सेशन साउथ अफ्रीका टीम ने भारत को पीछे छोड़ा। कल तीसरे दिन जब भारतीय टीम दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी तो महज 131 रनों पर ढेर हो गई। इस पारी में विराट कोहली ने अकेले 76 रन बनाए, लेकिन दूसरी छोर पे उनका साथ किसी भी खिलाड़ी ने नहीं दिया। शुभमन गिल ने 26 रन बनाए, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। आपको बता दें, पहली पारी में भारत ने 245 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 408 रन डीन एल्गर के 185 और मार्को येंसन के 84 रनों की बदौलत। भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए। वहीं सिराज को 2 विकेट लिए, लेकिन इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और ठाकुर को एक एक विकेट जरूर मिला, लेकिन वो बहुत महंगे रहे। वहीं अब भारतीय टीम के इस हार के साथ भारत का साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर टूटा। एक बार फिर भारतीय टीम कोलैप्स होती नजर आई। दूसरे इनिंग की बात करें तो अपना डेब्यू मैच खेल रहे नैंड्रे बर्गर ने 10 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं रबाडा को भी 2 विकेट मिला, जिसमें फिर से एक बार उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया। वहीं मार्को येंसन ने भी कल 3 विकेट लिए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN24।